हाय फ्रेंड्स, मैं पम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक ऐसे रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो हेल्दी भी है और पौष्टिक भी, जिसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और सेलो फ्राई, ओट्स कटलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी जार में एक कप डाल देंगे प्लेन ओट्स। ओट्स को हम पीस लिए हैं, अब देखिए बिल्कुल बारीक हो गया है। अब एक बाउल में इसे ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 3 से 4 चम्मच बेसन। स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अगर जो आमचूर पाउडर नहीं है आपके पास तो इसके जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर जो चाट मसाला डाल रहे हैं तो आप नमक इसमें कम डालिएगा, क्योंकि चाट मसाला में नमक होता है। अब इन सभी चीजों को हम पहले मिला लेंगे। सारा कुछ अच्छी तरह मिल चुका है, अब इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्च कटी हुई। इसके जगह आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी धनिया, 2 कटा हुआ प्याज, 1/2 शिमला मिर्च लाल वाली, 1/2 हरी वाली, थोड़ी सी पत्ता गोभी। इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। पहले हम इसी तरह मिला लेंगे ताकि सारा कुछ अच्छा तरह से मिल जाए। सारा सामान अच्छी तरह मिल चुका है, अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक डो तैयार करेंगे इसका। सारा कुछ अच्छी तरह से मिला चुके हैं, अब हम हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। अब एक छोटा छोटा लोई बना के इसे जैसा आप आकार देना चाहें दे सकते हैं। और एक कटोरी में ओट्स रख लिए हैं, उसमें हम इसे लपेट देंगे। इसी तरह हम और भी बना लेते हैं, या तो आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से सारा नाश्ता हम बना लेंगे। इस तरह से हम पीस तैयार कर लिए, अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब हम चढ़ा दिए तवा, अगर जो आपके पास फ्राई पैन है तो उसमें भी बना सकते हैं। उसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तो इसे हम चारों तरफ फैला लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक करके हम कटलेट डाल देंगे। आंच को हम मीडियम से थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि अंदर जो बेसन दिए हैं और ओट्स है वो सारा अच्छी तरह पक जाए। अगर जो आपको तलने का मन है तो आप कढ़ाई में इसे तल भी सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। अब हम गर्म होने के लिए तेल रख दिए थे पहले से, अब चेक कर लेते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक करके कटलेट डाल देंगे। अब आंच को हम एकदम धीमा रखेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक सके। एक तरफ से अच्छी तरह पकने देते हैं, तब हम इसे पलट लेंगे। एक तरफ से अच्छी तरह पक गया है, अब इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब दूसरे तरफ से भी इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने देंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह पक गए हैं, ये देखिए कलर बहुत प्यारा आया है। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब इसे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, तब इसे हम पलट देंगे। अब एक तरफ से हो गया, अब इसे हम पलट लेते हैं।
अब दूसरे तरफ भी अच्छी तरह तल लेते हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो सारा निकल जाए। अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं, एक एक करके इसे इस तरह से सजा देंगे। गुलगुला भी डाल देते हैं। एक कटलेट आप बना के जरूर देखिएगा एक बार, बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएगी। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसा बना।